जब कोई अच्छी चीज सामने आती है तो दिल चाहता है आपके साथ भी शेयर करूं, ताकि हम जो चीजें पढ़ के अभी तक अमल नहीं कर रहे वो अमल करने लग जाएं। मुझे उम्मीद है नमाज तो कुछ न कुछ इम्प्रूव हुई ही होगी। आज सदके के बारे में कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। सऊदी अरब में एक मिस्री आलिम ने सदका की अजमत और फजीलत पर एक दिलनशीन लेक्चर इरशाद फरमाया। उन्होंने दौरान गुफ्तगु अहादीस मुबारका के हवाले से जिक्र किया कि सदका बलाओं, मुसीबतों और बीमारियों से निजात पाने का बेहतरीन आजमूदा नुस्खा है। मिस्री आलिम की गुफ्तगु के दौरान एक मिस्री आदमी ही खड़ा हुआ और उसने कहा कि वाकई आपकी बात मबनी बर हकीकत है। मैंने खुद तजुर्बा किया है कि सदका इंसान को मसायब व आलाम और मुजी अमराज से बचाव का जरिया बन जाता है। उस शख्स ने अपना वाकया बयान करते हुए कहा कि मैं दिल के मर्ज में मुबतला था, यानी हार्ट डिजीज थी, और मेरा मर्ज इंतहाई नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर चुका था। मुझे दो दफा हार्ट अटैक हो चुका था। मकामी डॉक्टरों ने मेरी जिंदगी और मौत के दरमियान एक लकीर से खींच दी। मुझे अपनी मौत के आसार नजर आने शुरू हो गए। मैंने आखिरी चारे के तौर पर अमरीका का रुख किया और वहां माहिरीन ने अमराज दिल से रुजू किया। उनके इलाज से मुझे कुछ इफाका जरूर हुआ मगर मौत के साए खत्म न हुए। फिर हर तीन महीने बाद अमरीका जाना मेरा मामूल बन गया। अद्वियात के सहारे मेरी जिंदगी की सांस चल रही थी। एक दिन एक अजीब वाकया रूनुमा हुआ। मैं गोश्त खरीदने के लिए कसाब की दुकान पर गया। वहां एक पर्दा नशीन खातून खड़ी थी। कसाब जब गोश्त बनाते हुए फालतू चर्बी छिछड़े वगैरह नीचे फेंकता तो अगर उसके साथ मामूली सा गोश्त चिपका रह जाता तो वो औरत लपक कर उसे उठाकर अपने बैग में डाल लेती। मैं काफी देर तक ये मंजर देखता रहा। बिलाखिर मैंने उस औरत से पूछ ही लिया कि बहन ये क्या माजरा है, यानी तुम ये चुन रही हो। खातून ने बताने से इनकार कर दिया। जब मेरा इसरार बढ़ा तो उसने छलकती आंखों से बताया कि मेरे घर में 7 माह से गोश्त नहीं पका। हालात ने इस मोड़ पे ला खड़ा किया है कि जिंदगी की गाड़ी बमुश्किल हरकत में है। आज मेरे छोटे छोटे बच्चों ने जिद की कि हमें गोश्त पकाकर खिलाओ। मैं गोश्त खरीदने की ताकत नहीं रखती, इसलिए कसाब की दुकान से फालतू चर्बी वगैरह से लगे हुए गोश्त के टुकड़े जमा कर रही हूँ कि इन्हीं का शोरबा बनाकर अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर दूं। इस दर्द भरी कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने कसाब से कहा, बहन जब चाहे जितना चाहे गोश्त खरीद ले, आइंदा उसकी कीमत मैं अदा किया करूंगा। और खातून से कहा कि एक भाई की तरफ से यह हदिया कबूल कीजिए। इसके बाद मैं अपने घर आ गया। मेरे दिल को इतनी खुशी, राहत और मसर्रत मिली कि उसके असरात मेरे चेहरे पर पलके पूरे बदन पर आया थे। मुझे खुश देखकर मेरे बच्चों ने बड़ी मोहब्बत से पूछा, अब्बा जान आज क्या माजरा है, आपके चेहरे पे तो हमेशा फिक्र साया किया रखता है लेकिन आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मुनासिब और मुख्तसर से अल्फाज में उन्हें अपने साथ पेश आने वाले वाक़े से मैंने आगाह किया और अल्लाह के हुजूर सरबसुजूद हो गया कि अल्लाह ने मुझे एक हकीकी खिदमत का मौका दिया। इसके नतीजे में मुझे इत्मीनान कल्ब की दौलत से माला माल कर दिया। कुछ अरसे बाद मैं हसब मामूल अमरीका गया तो मेरे मालिज मेरी टेस्ट रिपोर्ट्स देखकर हैरान रह गए कि यहाँ मर्ज दिल के हाथों मौत के मुंह तक पहुंचने वाला शख्स बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, जैसे उसे कभी यह मर्ज हुआ ही नहीं। उन्होंने मुझे पूछना शुरू कर दिया कि तुमने कौन सा नुस्खा इख्तियार किया, कहां से इलाज कराया। मैंने उन्हें बताया कि किसी आम डॉक्टर और मौलिज का नुस्खा नहीं बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ नुस्खा है कि सदका भलाओं को टाल देता है। ये कहती है कि इनकी बहन की कुलीग हैं, उनकी सिस्टर का यह वाकया है कि उनको एक ऐसी बीमारी लाहक हुई कि जिसमें रेड सेल्स नहीं बन रहे थे, तो डॉक्टर ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि मजीद इलाज के लिए चूड़ियां वगैरह बेची जाए, तो उनका कि इलाज की बजाय अगर इस पैसे को हम सदका कर देते तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे के बाद रिपोर्ट्स बेहतर आना शुरू हो गई। किसी की हेल्प करते हैं तो बॉडी में से ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि इंसान को खुशी देते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। और जब इंसान के अंदर खुशी होती है तो वो चीज उसके बॉडी के बैलेंस को और बीमारी को भगाने में बहुत ज्यादा किरदार अदा करती है। अपने आप से पूछे, मैंने कब लास्ट टाइम सदका किया है। हम सब अपना अपना मुहासबा करें क्योंकि ये हमारा और अल्लाह का मामला होता है ना, किसी को बता के तो नहीं करना। जी तो
मैं गाड़ी में बैठने लगी तो एकदम से मेरी बेटी कहती है मामा वो देखें बाबा जी आ रहे हैं मुझे सदके के पैसे दे ना। तो मैंने उसे पैसे दिए और उसने सदका किया। और टेक्सला के करीब एक जगह आती है जहां दो पहाड़ियां आपस में मिलती है ना, मारगला। तो वहां पे एक ट्रक आ रहा था, उसने मतलब हमारी गाड़ी को इतना ज्यादा वो किया कि मतलब हमें यही था कि अब नहीं हम बचेंगे। और तीन दफा इस तरह से हुआ। और जब मैं वहां पे दर्स के लिए बैठी चेयर पे तो मेरे मुंह से लफ्ज ही नहीं निकल रहे थे कि मैं डर गई थी अंदर से कि मैंने मौत को इतने करीब से देखा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी अभी 3 साल की है तो उसको मैंने आदत डाली थी। मतलब हाँ जी, अगर हम किसी को चीज सिखाएं तो वो बच्चे भी आपको बता याद दहानी कराते। हाँ बिल्कुल, यानी अगर आप बच्चों को सिखाते हैं तो खुद आप भूलने लगे तो वो फौरन आपको याद करा देते हैं। यानी अगर कोई बीमार होता है तो गोश्त का स्पेशल लोग सदका करते हैं। और खाने की किसी भी चीज का किया जा सकता है, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं कि उसकी गर्दन हो या कोई और हो या बकरा ही हो। अगर कोई मुर्गी देने की ताकत रखता है तो मुर्गी दे दे। और इस तरह मेरे साथ हुआ भी है, मेरे भी हस्बैंड बीमार हुए थे और वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे थे और जब मैंने गोश्त का सदका किया तो उसी रात वो काफी बेहतरी हुई। स्पेशल गोश्त का खाने का बेसिकली वयुतअमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। तो खाना खिलाना जो है वो जन्नत में ले जाने वाले कामों में से है। तो खाने का सदका वाकई बहुत फायदेमंद है। और फिर लोग जो कहते हैं कि बाहर फेंक देते हैं कि चिड़ियां चिड़ियां, ये गलत है। इंसान ज्यादा मुस्तहिक है खाने के, परिंदे तो अपना रिस्क खुद भी चुन लेते हैं।